हरियाणा में 28 और 29 मार्च को रोडवेज कर्मचारियों द्वारा की गई हड़ताल 4 जिलों के जीएम को महंगी पड़ गई। दरअसल रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर 2 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल की थी, जिसका असर पूरे हरियाणा में देखने को मिला था, जिसके चलते रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल को देखते हुए परिवहन विभाग ने इस दौरान विभाग के अधिकारियों को बसों का आवागमन सुचारू रूप से करवाने के आदेश जारी किए थे। वहीं हड़ताल के दौरान बसों का सुचारू आवागमन नहीं होने के चलते परिवहन विभाग के अधिकारियों पर गाज गिर गई, जिसके चलते हरियाणा परिवहन विभाग ने रोडवेज हड़ताल पर कार्रवाई करते हुए लापरवाही के आरोप में प्रदेश के 4 जिलों के जीएम को चार्जशीट किया है, जिनमें फरीदाबाद के जीएम राजीव नागपाल, सिरसा के आरएस पुनिया, पलवल के सुरेंद्र सिंह और चरखी दादरी के जीएम देवदत्त को चार्जशीट किया गया है। गौरतलब है कि परिवहन विभाग ने 25 मार्च को हड़ताल के तहत बसों का आवागमन सुचारू रूप से करवाने के आदेश जारी कर दिए थे। इसके बावजूद प्रदेश में हड़ताल के दौरान परिवहन व्यवस्था काफी हद तक बाधित रही थी। बता दें कि हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सोमवार से 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल की थी। वहीं रोडवेज कर्मचारियों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल को देखते हुए हरियाणा के सभी बस स्टैंड पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने सख्त लहजा अख्तियार करते हुए कहा था कि 28 और 29 मार्च को हुई हड़ताल के दौरान लापरवाही दिखाने वाले हरियाणा रोडवेज महाप्रबंधकों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसके तहत बुधवार को परिवहन विभाग के अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करते हुए चार्जशीट किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ब्रॉडकास्ट।